रीवा में बेटे बहू और पोतों के शव रखकर चक्का जाम। परिजन बोले यह सुसाइड नहीं हत्या है। सीबीआई जांच हो आश्वासन के बाद किया गया अंतिम संस्कार। आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर, खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है। रीवा के अंबा गांव में एक ही परिवार के चार शवों का अंतिम संस्कार हुआ तो हर किसी की आंखें नम हो गईं। ये शव भोपाल में रह रहे भूपेंद्र विश्वकर्मा, उनकी पत्नी रितु, दोनों बेटों ऋषिराज और ऋतुराज के थे। परिवार के चार सदस्यों को एक साथ खोने वाले परिजन निराश होने के साथ आक्रोशित भी हैं। अंतिम संस्कार से पहले उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों के साथ चार शवों को जबलपुर प्रयागराज नेशनल हाईवे पर रखकर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान हाईवे के दोनों तरफ 5 किलोमीटर तक वाहनों की लाइन लगी रही। मामला बढ़ता देख हुजूर SDM अनुराग तिवारी सहित संबंधित अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। चक्का जाम कर रहे लोगों की मांग थी कि 1 करोड़ रुपए मुआवजा, परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी और मामले की CBI जांच कराई जाए। विश्वकर्मा परिवार को 25,000 रुपए की तत्काल मदद भी की गई। मदद और आश्वासन मिलने के बाद चक्का जाम समाप्त कर दिया गया। चक्का जाम से हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतार लग गई। प्रशासनिक अमले ने वाहनों को 50 किलोमीटर दूर बीला गोविंदगढ़ लोही रतहरा होकर प्रयागराज के लिए निकाला। जानकारी के अनुसार भोपाल के रतिवड़ में रहने वाले 38 वर्षीय भूपेंद्र विश्वकर्मा ने अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात्रि 3 बजे परिजन चारों के शव लेकर पैतृक गाँव अम्बा पहुंचे। शुक्रवार सुबह अंतिम संस्कार के लिए चार अर्थे शमशान घाट के लिए एक साथ रवाना हुई। मृतक के परिजन का आरोप है कि घर का दरवाजा तोड़कर चारों लोगों की हत्या की गई है। घटना से 1 महीने भोपाल साइबर सेल को इससे संबंधित एक शिकायत की गई थी, लेकिन कुछ किया नहीं गया। भूपेंद्र के पिता का कहना है कि बेटे बहू और पोतों का मर्डर किया गया है, हमें न्याय चाहिए, जिस कंपनी ने मारा है उस पर केस होना चाहिए। उनका कहना है कि भूपेंद्र ने बताया था कि मैं कर्ज से मुक्त हो चुका हूँ। भूपेंद्र निजी बैंक में इंश्योरेंस का काम करता था। अचानक ऐसा क्या हो गया जो भूपेंद्र ने इतना बड़ा कदम उठा लिया? गांव और परिवार के लोग ये सोच सोच कर परेशान हैं। जवान बेटे बहू और दो पोतों की मौत से परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भूपेंद्र की माँ पूरी रात शव के इंतजार में घर के बाहर गाँव वालों के साथ बैठी रही। बीते शाम मोहल्ले के कई घरों में चूल्हा नहीं जला। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। घटना के उन्होंने 4 बजे सुबह SMS डाला था बस, और सेल्फी डाली थी, बोले कि भाई मैं आखिरी हूँ, यही सब आखिरी सेल्फी है। हम लोगों ने 6 बजे देखा, फिर हम लोग सीधे नीलबर चले गए। वहाँ गए तो चैनल गेट सब खुला हुआ था, स्लाइडर खुला हुआ था, खिड़की पूरी खुली थी, ये सामने पंखे में लटक रहे थे दोनों, बच्चे अंदर पड़े थे। कितने बजे घटना उनका घटना कितने बजे का, मैं 6:30 बजे का बता रहा हूँ, आंखों देखा। ये चक्का जाम किया गया है कल जो भोपाल में घटना हुई है उसको लेके, और इस पे इनके द्वारा डिमांड की गई है कि मुआवजा राशि प्रदान की जाए, नौकरी प्रदान की जाए परिवार के सदस्य को, तो उसके लिए मांग हम लोग ऊपर भेज रहे हैं और इसके लिए SIT भी गठित करने की सूचना प्राप्त हुई है। साथ ही साथ अंत्येष्टि सहायता के तौर पर प्रारंभिक तौर पर 10,000 रुपये इनको प्रदान किए गए हैं परिवार को। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।